नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में, जिसके अंतर्गत हम व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं NIOS की माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल का। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग पाठ्यक्रम दो पर थे जिसका कि जो शीर्षक है वह व्यवसायिक संगठनों के प्रकार। इसके अंतर्गत पार्ट चार में हम लोग थे सहकारी समिति तथा संयुक्त पूंजी कंपनियां। तो पार्ट चार में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने सहकारी समिति का अर्थ पढ़ा। सहकारी समिति बहुत उपयोगी एक व्यवसायिक संगठन है, जो कि जो छोटे 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 जो उत्पादक हैं, जो छोटे आय वर्ग के लोग हैं या किसान हैं, इन सब के बहुत काम आती है और इसका काफ़ी उपयोग होता है इस व्यवसायिक संगठन। सहकारी समितियों की हमने विशेषताएं पढ़ी, सहकारी समितियों के प्रकार से हम अवगत हुए, सहकारी समिति के लाभ के बारे में जाना, सहकारी समिति की जो सीमाएं हैं उनको जाना। उसके पश्चात फिर हमने संयुक्त पूंजी कंपनी चालू करी, स्टार्ट किया पढ़ना। इसमें संयुक्त पूंजी कंपनी की विशेषताएं हमने पढ़ी, उसका अर्थ पढ़ा, कंपनियों के प्रकार पढ़े, जो कि चार प्रकार की कंपनियां होती हैं, निजी, सार्वजनिक, सरकारी और बहुराष्ट्रीय। तो आइए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त पूंजी कंपनियों के लाभ। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है, इसके पश्चात अब हम जानते हैं कि जो हम कंपनियां होती हैं उसका फ़ायदा क्या है। कंपनी बनाकर बिजनेस अगर कोई आदमी करता है, व्यवसाय करता है, तो उसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो सीमित दायित्व वाला है, कि जो चलाने वाले लोग हैं उनके दायित्व सीमित हो जाते हैं, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम रहती है, और केवल कहाँ तक रहती है, जितना कि पैसा उनका लगा हुआ है या जिन्होंने जितना उनके पास शेयर है कंपनी का, केवल उतना ही दायित्व उनका रहता है। तो एक कंपनी के अंशधारकों का या शेयर होल्डर्स का दायित्व तो उनके द्वारा लिए गए शेयर्स के जो अंकित मूल्य है, जिस मूल्य पर उन्होंने लिए हैं, उतने तक ही सीमित होता है। अगला है वृद्ध वित्तीय संसाधन, मतलब इसमें जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मतलब जो संख्या है, जो जितने भी सदस्य बना सकते हैं, असीमित तक होती है। असीमित होने से क्या फ़ायदा है, कि बहुत सारा पैसा ये लोग जुटा सकते हैं, ये लोग जनता से भी पैसा जुटा सकते हैं, खासतौर से सार्वजनिक सीमित जो कंपनियाँ होती हैं वो। इसके पश्चात है निरंतरता। निरंतरता मतलब ये कंपनी बीच में, मतलब अगर कोई एक सदस्य को कुछ हो जाता है या वो पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, इसको छोड़ के चला जाए, तो उससे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसका जो व्यावसायिक जीवन है वो दीर्घकालीन होता है। हमको पता है ये कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है, कृत्रिम व्यक्ति जैसे एक व्यक्ति पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर मतलब बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद वो उसकी मृत्यु होती है। तो इसी प्रकार से इस कंपनी का भी जो जीवन चक्र है वो चलता है। कंपनी पहले बनती है, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो मैच्योर होती है, और फिर आखिरी में उसका एंड होता है। तो इस प्रकार से इसमें एक निरंतरता रहती है। अगला है अंशों की हस्तांतरणीयता। तो हमने पढ़ा कि जो सार्वजनिक सीमित जो कंपनियां हैं उनके अंशों को, वो उनके अंश हस्तांतरणीय होते हैं। एक आदमी अपने जो हिस्से के शेयर है वो दूसरे को बेच सकने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके पश्चात है जोखिम का वितरण। इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे इसके सदस्य हैं, बहुत सारे मालिक हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो जोखिम होता है, जो रिस्क है घाटे का या हानि का, जो जोखिम है या और किसी प्रकार का जोखिम है, वो सब लोगों में बराबर बराबर या उनके जो अंश हैं उसके हिसाब से, उनके अंशों के जो उनके जितने अंश किसी के पास हैं उसके अनुपात में जोखिम का वितरण हो जाता है, किसी एक के ऊपर पूरा लोड नहीं पड़ता है। अगला है सामाजिक लाभ। अब सामाजिक लाभ है, सामाजिक लाभ से क्या मतलब है, कि जो कंपनियां होती हैं वो समाज में जो लोग हैं, जो उसके जिनको वो अपना मेंबर बनाती है या जो जिनको अपना शेयर होल्डर बनाती है, उन लोगों की बचत का उपयोग करती है, और उनको उनकी बचत के सापेक्ष, जो उनको जो उन्होंने अपनी बचत का निवेश उस कंपनी में किया है उसके सापेक्ष लाभ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सामाजिक लाभ के लिए भी ये काम करती है कंपनियां इस तरीके। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाएं। अब हमने अभी लाभ पढ़े, अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, कहां कहां तक क्या क्या चीज़ें की प्रॉब्लम इसके अंतर्गत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें आती है वो है गठन की कठिनाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लोगों को करनी पड़ती हैं,
कई सारी जो, तो इसका जो गठन होता है वो बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर्स आपको, बहुत सारे फॉर्म्स ले जाने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो और फिर चलाने में भी कठिनाई होती है। आगे उसमें क्या है, अगला है, जो अगला जो उसका सीमा है वो है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सरकार का नियंत्रण इसके ऊपर रहता है। जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत ये काम करती है, तो जो जो भी उस अधिनियम में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको जो जो कंप्लाइंसेस करने हैं, जो जो चीज़ें माननी हैं, वो सारी इसको माननी पड़ती हैं। वक्त पे ऑडिट कराना होता है, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती हैं, और इवन इवन जो पर्यावरण पर अगर ये कुछ नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इनको उपलब्ध करानी पड़ती हैं। इनका कभी भी कोई भी जो सरकारी जो रेगुलेटर्स हैं वो इसका दौरा कर सकते हैं, इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात है अल्प जनाधिपत्य प्रबंध। इसका मतलब है इसमें बहुत कम लोगों द्वारा ही इसका आधिपत्य होता है। कम लोगों द्वारा आधिपत्य क्यों होता है? हम तो कह रहे हैं कि इसके अंश जो हैं बहुत जनता पूरी खरीद लेती है, लेकिन जो जनता खरीदती है वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में खरीदती है। तो जो इसका जो मेन जो कंट्रोल रहता है वो बहुत छोटे, बहुत कम लोगों के पास रहता है। जिसके पास इसके जितने ज़्यादा शेयर होंगे वो उसका उतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रबंध में दखल होगा। तो अधिकतर जो होता है, वैसे तो एक कंपनी के जो प्रबंध को लोकतांत्रिक माना जाता है, लेकिन व्यवहार में कंपनी का प्रबंध कुछ बहुत कम लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्प जनाधिपत्य प्रबंध। इसके पश्चात है निर्णय में देरी। अब इसमें कई बार ऐसा होता है, कई सारे डिसीजंस में देरी हो जाती है। क्यों हो जाती है देरी? क्योंकि कई सारे जो ऐसे जो नीतिगत जो फैसले हैं, जो मतलब उनके रोजमर्रा के ना होके बल्कि दीर्घ अवधि के जो निर्णय होते हैं, उनके लिए इनको आम सभा बुलानी पड़ती है। मतलब जनरल मीटिंग एक बुलानी पड़ती है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसको बुलाकर ये लोग प्रस्ताव पारित कराते हैं। जो पहले प्रस्ताव बनाते हैं एक, उसको एजीएम के आगे रखते हैं। एजीएम में जो सारे शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी उसके जितने लोगों ने पैसा लगाया है, सारे लोग भाग ले सकते हैं, तो उनके सामने रखा जाता है। और इस सब चीज़ों में बहुत समय व्यर्थ होता है, तो ये इसका एक सीमा है। इसके पश्चात है गोपनीयता का अभाव। अब गोपनीयता का अभाव ये होता है कि जो प्राइवेट आपकी जो जो आपने पढ़ा कि एकल स्वामित्व था, या भागीदारी वाला बिजनेस था, या हिंदू अविभाजित परिवार था, ये सब गोपनीय तरीके से चला सकते हो आप। लेकिन जहाँ आपने कंपनी बनाई, कंपनी को कई सारे कार्यों की जो सूचना है, जो अपने कार्य हैं उनकी जो विभिन्न सूचनाएं हैं वो जनता को प्रस्तुत करनी होती हैं। मतलब उनको एनुअली हर साल और हर 6 तिमाही में कुछ रिपोर्ट्स देनी होती हैं, जो जिससे जनता को पता चलता है किस प्रकार से कार्य कंपनी कर रही है। तो इस प्रकार से इसमें गोपनीयता का अभाव होता है। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी की उपयुक्तता। उपयुक्तता से मतलब है किन किन चीज़ों के लिए ठीक है, किस किस स्वरूप के लिए। तो जो माना जाता है बड़े व्यवसायों के संगठन के लिए संगठन का कंपनी स्वरूप उपयुक्त है। जो बड़े व्यवसाय होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनमें पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें कंपनी के माध्यम से ही व्यवसाय को करना पड़ता है, ताकि हम लोगों की जो संसाधन की, जो वित्तीय संसाधन की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके आसानी से। इसके पश्चात है बड़े पैमाने पर प्रचालन हेतु बड़ी मात्रा में पूंजी का संग्रहण संभव है। हमने ये बात कर ली। तो जो अधिकतर जो मशीन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब आईटी वाले बिजनेस, लौह एवं इस्पात जो मेटल वाले बिजनेस हैं, और या फर्टिलाइजर वाले हैं, या जो ड्रग्स वाले हैं, ये सारे के सारे संयुक्त पूंजी कंपनी के स्वरूप से संगठित किए जाते हैं। तो ये इनका जो प्रचालन है वो संयुक्त पूंजी कंपनी को बनाकर फिर ये सारे बिजनेस किए जाते हैं। अगली है सरकारी कंपनी। अब मैं भी एक सरकारी कंपनी में हूँ, तो ये थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी, जो अंश पूंजी हम लगाते हैं, उसका न्यूनतम 51%, कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 51% केंद्र अथवा राज्य सरकार के पास हो, वो सरकारी कंपनी कहलाती है। जैसे मेरे जिस कंपनी में हूँ वो एक राज्य सरकार की कंपनी है, जिसका कि पूरा 100%, कितना, 100 का 100% जो स्वामित्व है, जो अंश पूंजी है, वो गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार की है।
तो 51% से अधिक अगर है किसी की तो उसका जो वो कंपनी कहलाएगी वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। ये चारों मैंने आपको उदाहरण दिखाए हैं सरकारी कंपनी के, NTPC, ONGC, एयर इंडिया, LIC, ये सारी सरकारी कंपनियां हैं। अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है, जैसे और कंपनियों का होता है, इसका भी वैधानिक अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इसकी जो प्रदत्त अंश पूंजी है उसका न्यूनतम 51% सरकार के पास होता है, पढ़ चुके हैं पहले भी। इसके सभी अथवा अधिकांश संचालक जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार द्वारा की जाती है, मैक्सिमम या फिर लगभग सारे के सारे कंप्लीट जो डायरेक्टर्स हैं वो सब के सब कौन नियुक्त करता है? सरकार नियुक्त करती है। इसके कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते हैं। लोक सेवक कौन होते हैं? जो सरकारी नौकर होते हैं उनको लोक सेवक बोला जाता है। तो जो सरकारी कंपनी के कर्मचारी होते हैं वो सरकारी नौकरी नहीं होती है उनकी, वो एक कंपनी के नौकर होते हैं, तो वो लोक सेवक नहीं। ये तो हो गई सरकारी कंपनियों की बात। अब आई बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? अभी तो हमने पढ़ा कि कंपनियां, अब कंपनियां क्या होती हैं? एक देश में कंपनी गठित होती है, अगर वो कंपनी एक देश में गठित होने के पश्चात और देशों में भी अपना बिजनेस करती है, मतलब ऐसी कंपनी है जो अपना व्यवसाय अपने समामेलन वाले देश, समामेलन मतलब जहां उसका गठन हो रहा है, जहां वो बनाई जा रही है, उसके साथ साथ अगर एक या अधिक अन्य देशों में भी चल रही है, अपना व्यवसाय चला रही है, तो वो कहलाएगी बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक जो आपका चित्र आपकी किताब में दे रखा है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। तो पोर्शे कंपनी का शोरूम दिखा रखा है इन लोगों ने, इसमें कारें खड़ी हैं अंदर। पोर्शे आपको पता है कार बनाने की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है पोर्शे। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अर्थ में अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था एक अथवा अनेक देशों में ये करती है और उन्हें उन्हीं देशों अथवा अन्य देशों में बेचती है, मतलब एक देश में ये सामान बनाती है वहाँ पर बेचती भी है, साथ साथ उस देश से सामान ले जाकर दूसरे देश में भी उस सामान को बेचती है, ठीक है। तो ये है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्र मतलब बहुत सारे राष्ट्रों में जिसका व्यवसाय चल रहा है वो है बहुराष्ट्रीय। तो इसके उदाहरण हैं, आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में आप बहुत सारे उदाहरण देखते होंगे, सोनी इसका उदाहरण है, हुंडई इसका उदाहरण है, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, LG, ये सारे के सारे, सिटी बैंक, पेप्सी, ये सब, कैडबरी वगैरह, सारे के सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं। और इनका क्या होता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं क्योंकि ना केवल एक दो देश की आपूर्ति करती हैं बल्कि कई देशों में ये आपूर्तियाँ करती है, कई देशों में सामान सप्लाई करती है, तो इसलिए बनाती ही बहुत बड़े लेवल पे है और वितरित भी बहुत बड़े लेवल पे करती है, तो इसके कारण इसकी कमाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक कमाई इनकी होती है। कमाई अधिक होती है तो लाभ भी अधिक होता है। तो अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ क्या क्या हैं? वैसे लाभ वाले नहीं, इनके और क्या लाभ हैं? विदेशी पूंजी का निवेश, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो देश होता है जिस देश में ये लोग अपना बिजनेस लगाती हैं या बिजनेस अपना सामान बेचती हैं उस देश में पूंजी निवेश करती हैं, उससे जो विकासशील या अविकसित देश हैं उनको फायदा होता है, उनको आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। इसके पश्चात ये और क्या करती हैं? ये रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं। रोजगार के अवसर मतलब ये उन देशों में फैक्ट्रियां भी लगाती है, वहाँ पर भी सामान बनाती है, जिन देशों में सामान बेचती है, तो इस प्रकार से वितरित करने में, उत्पादन करने में ये वहाँ के लोगों को रोजगार देती है, तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। साथ साथ ये उन्नत तकनीक का उपयोग करती है। उन्नत तकनीक का उपयोग कैसे कर पाती है? क्योंकि बहुत मात्रा में इसकी कमाई होती है, बहुत ज़्यादा लाभ ये कमाती है, तो उतना ही पैसा ये शोध में भी खर्च करती है और नई नई तकनीक को खोजती है, नई तकनीक खोज करती है और उसका प्रयोग करके बहुत ज़्यादा दक्षता से ये सामान बनाती है। इसकी सहायता से क्या होता है, जो उसकी सहायक औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनमें भी वृद्धि होती है। अब सहायक औद्योगिक इकाइयाँ क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी कार बना रही है, तो वो कार पूरी की पूरी खुद तो बनाएगी नहीं, कहीं से टायर लेगी, कहीं से उसका सस्पेंशन लेगी, तो ये सब चीज़ें जहाँ से लेगी वो सब इसकी सहायक औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, तो उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है जब कोई कंपनी कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है उसके वजह से। अगला है निर्यात तथा विदेशी मुद्रा में वृद्धि। अब क्या होता है,
जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो, अभी हमने पढ़ा कि वो जिस देश में बना रही हैं केवल उसी देश में तो बेचती नहीं है सामान, वो उस देश से दूसरे देश में भी बेचती हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है जब एक देश से दूसरे देश में हम कोई सामान बेचते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, और जब उस देश में किसी देश से सामान लाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। तो इसकी मदद से निर्यात में वृद्धि होती है, और उस जो निर्यात करते हैं तो उससे क्या मिलता है, उस देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। उस तो निर्यात और विदेशी मुद्रा में दोनों चीजों में वृद्धि होती है। इसके पश्चात है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से मतलब है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन को, मतलब हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये है कि जब ये लोग निर्माण करेंगी, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके देश में आएंगी, तो जो आपके देश की कंपनियां हैं उनको भी इनके साथ अगर कंपटीशन करना है तो इनकी ही जो लागत है, जिस लागत में ये प्रोडक्ट बना रही हैं और जो जिस प्रकार का प्रोडक्ट ये बना रही हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको मैच करना पड़ेगा। और अगर उनको अपने सामान बेचने हैं, जो देसी उत्पाद हैं, जो देसी उत्पादक हैं, उनको अगर अपने देसी उत्पाद बेचने हैं तो उनको भी बाजार की मांग के अनुसार अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा और लागत को कम करके मूल्य भी इनके साथ कंपटीशन में लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसके पश्चात है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सीमाएं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या क्या सीमाएं होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन वह है मेजबान देशों को कम प्राथमिकता, मतलब जिस देशों में ये अपना सामान बेच रही है तो ये करती क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये केवल और केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं। ये निसंदेह उस देश को लाभ तो पहुंचाती हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं उद्योगों में पूंजी निवेश करती है जहां से कि लाभ की संभावना होती है। तो जो मेजबान देश के जो पिछड़े उद्योग होंगे, जो पिछड़े क्षेत्र हैं और जो विकासशील उद्योग हैं, उनको ये प्राथमिकता नहीं देती और वहां कोई भी मदद उस देश की नहीं करती हैं। अगला है घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव। तो इनकी वजह से जो घरेलू उद्योग हैं, जैसे हमने पीछे बात करी कि वो एक कंपटीशन होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तक ना रुककर होता क्या है कि जो घरेलू उद्योग हैं वो कई बार इनका सामना नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से उनको हानि होती है, और ये घरेलू उद्योगों के ऊपर धीरे धीरे हावी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा उच्च तकनीक ये लोग यूज़ करती हैं और बहुत ज़्यादा दक्षता के साथ काम करती हैं, तो इनको बहुत कम लागत में भी ये सामान तैयार कर लेती हैं। उसका मुकाबला करना जो मेजबान देश है, उस कई बार उसके उद्योगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, और इसका जो परिणाम, जो उसका दुष्परिणाम हम कहेंगे, वो होता है कि घरेलू उद्योग बंद होने को मजबूर हो जाते हैं। और सबसे जो अंतिम जो सीमा है वो है परंपराओं में परिवर्तन। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो कई बार उस देश का, जिस देश में वो बेच रही हैं सामान, उस देश की परंपराओं को ध्यान में नहीं रखती हैं, और कई बार जो अब जिस देश से वो उद्भव होती हैं, जहाँ जिस देश में बनती हैं, उस देश की चीज जो संस्कृति है, उस चीज़ की जो परंपरा है, वो दूसरे देशों पर भी थोपती चली जाती है अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, इससे जो मेजबान देश है जहाँ वो व्यवसाय करने आई हैं, वहाँ के लोगों के खान पान, परंपरागत पहनावे, इन सब आदतों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, और वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग भी महसूस करते होंगे कि अब जैसे हम लोग फास्ट फूड की तरफ हो गए, पहले के ज़माने में ऐसा थोड़ा होता था, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से काफ़ी जो हमारे खान पान वाली चीज़ें हैं, जो पहनावा है, वो काफ़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है ये समाप्त होता है, और इसी प्रकार से जो दूसरा जो पाठ्यक्रम था ये भी समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसके चर्चा करेंगे, और कुछ डीएमए के भी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ प्रश्न उसके भी देखेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई भी शंका है, कोई भी चीज़ दोबारा से आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, या लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट अगर आप लोग करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है, और साथ साथ एक कमेंट के माध्यम से एक दो दो तरफा संवाद हम लोग स्थापित कर पाएंगे। मतलब मैं तो बोलता ही हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो इस तरीके से वो आपके जो विचार हैं मुझ तक पहुँचाएंगे, और मैं
जो अपनी जो पद्धति है इसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद। और साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट जो हम लोग करते हैं आपसे कि आप अपने और दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी अगर कुछ लाभ इसका उनको भी मिल सके तो अच्छा होगा। धन्यवाद।